इज मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। बॉलीवुड को मिला डिस्प्यूट सॉल्व करने वाला नया डॉन, लेकिन कौन है वो? बड़ी खबर, बिपाशा शाहिद के साथ कर रही हैं डेट, तो जॉन एक बैंकर लेडी के साथ। ऋतिक ने अपनी फिल्म क्रिश 2 के लिए शाहरुख से मांगी हेल्प। रूमर हैज इट ऐश के चले जाने पर मधुर भंडारकर एक बार फिर कर रहे हैं करीना को अप्रोच। और बताएंगे आपको मल्लिका शरावत और सुष्मिता सेन के अगेंस्ट जूम फैशन पुलिस ने क्यों निकाला वारंट। बॉलीवुड में आ गया है एक नया डॉन, ये किसी फिल्म का नहीं रियल लाइफ का डॉन है। इस डॉन के एक फोन कॉल से बड़े पंगे सेकंड्स में सॉल्व हो जाते हैं। ये डॉन दबंग है, इसकी बॉलीवुड में दादागिरी है। कौन है ये, चलिए देखते हैं। Wanted, दबंग, रेडी। अब ये सब कुछ महीने पुरानी बातें हो चुकी हैं। सलमान खान अब बॉलीवुड के डिस्प्यूट सॉल्व करने वाले नए भाई बन गए हैं। चाहे आपको कोई एसोसिएशन परेशान कर रही हो, या फिर आपका पैसा किसी ने दबा लिया हो, या फिर आपका किसी भी और तरह का काम अटका हुआ हो, बस सलमान भाई की शरण में चले आइए, आपका काम हो जाएगा। मुंबई के एक मॉर्निंग डेली के मुताबिक सलमान भाई ने सबसे नया पंगा सॉल्व किया है मुग्धा गोडसे का। उनको 6 लाख रुपए का कड़क चेक दिलवाया है एक प्रोडक्शन कंपनी से। ये वही कंपनी है जिसने मुग्धा गोडसे को लेकर फिल्म जेल बनाई थी, लेकिन एक साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी अब तक इस कंपनी ने मुग्धा का चेक नहीं दिया था। हर बार एक दो दिन में देने का एक्सक्यूज देकर कंपनी मुग्धा से बहानेबाजी कर रही थी। मुग्धा ने हार कर इस कंपनी की शिकायत सलमान खान से कर दी, जब वो सलमान की क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए मैच देखने गई थी। इसी मैच में इस कंपनी के एमडी भी सलमान के साथ मैच देख रहे थे। मुग्धा ने जैसे ही सलमान को चेक वाली बात याद दिलाई, सलमान खुद उठकर इस कंपनी के एमडी के पास गए। सलमान ने पता नहीं उनसे ऐसा क्या कहा कि वो तुरंत मुग्धा के बाकी पैसे का चेक देने के लिए राजी हो गए, और इसका रिजल्ट ये रहा कि मुग्धा को उनका पैसा मिल गया। दूसरा मामला हमने आपको कुछ ही दिनों पहले बताया था, जब सलमान खान के एक फोन ने कटरीना की हेल्प की थी, जब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज के मेंबर्स कटरीना का शूट रुकवाने चले आए थे कि सलमान भाई ने अपने लोगों से करवा दिया एक फोन। फिर क्या हुआ वो इस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी ने खुद जूम को बताया था। सलमान साहब के जो राजू साहब हैं, जो पर्सनल मेकअप हैं, उनका फ़ोन आया मुझे, वो जानते हैं मुझे। एंड सलमान भाई की बात है, सलमान भाई हमारी नाक है भाई, तो फिर हमने कहा ठीक है। तो नहीं कहा कि साहब हम दो तीन दिन में फॉर्म दे देंगे। वैसे भाई के ऐसे कारनामों की लिस्ट बड़ी लंबी है, सारे कारनामे बताएंगे तो ये शो भी छोटा पड़ेगा और आप पुरानी के चक्कर में नई कहानी भी भूल सकते हैं। तो फिलहाल बस ये ही याद रखिए कि शायद बॉलीवुड में ऐसा अब कोई नहीं है जो अपने काम निकलवाने के लिए भाई यानी कि सलमान भाई का सहारा ना ले। शाहिद कपूर आजकल कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। फिल्म मौसम के फर्स्ट लुक रिलीज के वक्त शाहिद अपने आप को टॉम क्रूज और शाहरुख खान से कम्पीट करते नजर आए। I don't think there's any other actor in the world actually who's flown an F-16. I think Tom Cruise ne jab Top Gun ki thi, he flew an F-15. अपनी फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च करने पहुंचे शाहिद कपूर ने खुद को बता दिया है हॉलीवुड और बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर से बड़ा। देखिए कैसे एयरफोर्स के फाइटर प्लेन F-16 को उड़ाने पर उड़े जा रहे हैं शाहिद। I flew an F-16.
आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर एक्टर इन द वर्ल्ड एक्चुअली हुज फ्लोन इन F-16. आई थिंक टॉम क्रूज ने जब टॉप गन की थी ही फ्लोन F-15. ओके शाहिद, मान लिया कि आपने दी है टॉम क्रूज को भी मात, पर आपकी फिल्म के फर्स्ट लुक को देखकर ऑडियंसेस को शाहरुख खान स्टार वीर ज़ारा की भी थोड़ी बहुत याद जरूर आ गई होगी। तो क्या आपने ली है वीर ज़ारा में एयरफोर्स ऑफिसर बने शाहरुख खान से कोई टिप्स? जी, मैंने उनसे पूछा कि वो जब हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे तो कूदे थे वो? अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कूदा, क्योंकि प्लेन में से कूदना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या एक्सक्यूज है, और लगता है खुद को शाहरुख से भी अव्वल बताने के चक्कर में शाहिद गिनाने लगे हैं कि उन्होंने मौसम में क्या क्या चलाया है। मैंने साइकिल चला ली, मैंने स्कूटर भी चलाई है फिल्म के अंदर, मैंने ट्रैक्टर चलाया, मैंने प्लेन उड़ाया और ट्रेन में बैठा था उसमें, उसको चलाने का मौका नहीं मिला। प्रोड्यूसर ने बोला कि ये ज्यादा रिस्की हो जाएगा। प्रोड्यूसर क्या शाहिद, कोई भी यही बोलेगा कि शाहरुख से कम्पीट करना कुछ ज्यादा ही रिस्की हो जाएगा, और अगर मामला थोड़ा भी रिस्की हुआ तो फिर पापा पंकज कपूर के उन अरमानों का क्या होगा जो उन्होंने बेटे शाहिद कपूर को लेकर लगा रखे हैं। किसी भी पिता के लिए आप अप्रिशिएट करेंगे कि ख्वाहिश यही होती है कि आपका बच्चा जो है आपसे बहुत ज्यादा आगे जाए। तो छोड़िए टॉम क्रूज और शाहरुख खान से ये कंपैरिजन, और थोड़े और टिप्स ले लीजिए हमारी फैशन गुरु सोनम से, जो आपको फैशन टिप्स दे दे कर परेशान हो चुकी हैं। Sonam has very high fashion standards. She doesn't entertain people whose fashion standards don't match hers. Therefore, you have to dress a certain way and look a certain way and get her approval on it. Fortunately, through the making of this film, I tried to educate myself on that, and I hope that I have her stamp of approval now. Sonam. Yes, he does. He does. चलिए, आपकी फिल्म मौसम के इतने डिले होने का कुछ तो फायदा हुआ आपको। जूम को क्लोज सोर्सेस से पता चला है कि शाहरुख खान ने अपनी फिल्म रावण के रशेस सबसे पहले राकेश रोशन और ऋतिक को दिखाए। इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि रावण की टीम अब रोशन को क्रिश 2 के लिए हेल्प करेगी। ऋतिक रोशन को चाहिए शाहरुख खान की हेल्प, और ये हेल्प खुद ऋतिक मांग रहे हैं शाहरुख खान से। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज पिछले दिनों शाहरुख के पास पहुंचे ऋतिक एंड राकेश रोशन, जहां इन्होंने देखे फिल्म रावण के रशेस। So when I saw Krish, actually I was really really happy to see it. I won't say envious, but I've always had this desire कि मैं इसी फिल्म करूं। जैसे ही रावण बन के तैयार हो गई, शाहरुख ने इनवाइट कर लिया ऋतिक को, एंड सोर्सेज के मुताबिक ऋतिक को फिल्म इतनी पसंद आई कि नाउ ऋतिक इज प्लानिंग कि क्रिश 2 के लिए स्पेशल इफेक्ट्स भी शाहरुख की रावण टीम ही दे। अब रावण की टीम क्रिश 2 में हेल्प करे या फिर ना करे, ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि आजकल जहाँ एक तरफ गौरी और सुजैन की दोस्ती बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ ऋतिक और शाहरुख की भी दोस्ती बढ़ती ही जा रही है। बड़ी खबर, जॉन और बिपाशा ने अपनी अपनी नई लव लाइफ शुरू कर दी है। जहां बिपाशा डेट कर रही हैं शाहिद कपूर को, तो वही जॉन डेट कर रहे हैं बैंकर प्रिया मारवा को। बॉलीवुड के लिए ब्रेकिंग न्यूज, बिपाशा बासु और शाहिद कपूर एक दूसरे को कर रहे हैं डेट। जब से बिपाशा के ब्रेकअप की खबरें मीडिया में आई हैं, तब से उनके लिंकअप की खबरें भी आना शुरू हो गई। कभी जॉश हार्टनर के साथ तो कभी किसी और के साथ, लेकिन बिपाशा ने किसी के भी साथ अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, अपने क्लोज फ्रेंड्स को बिपाशा ये जरूर बताती थी कि देयर इज अ स्वीट गाय इन हर लाइफ एंड शी इज स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद हिम। Well, बिपाशा किसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है ये बात उन्होंने तो नहीं बताई, लेकिन मीडिया को उस शख्स का पता चल गया है। वो कोई और नहीं, शाहिद कपूर ही है। वैसे शाहिद ने रिसेंटली अपने घर पर एक पर्सनल पार्टी भी रखी थी, जिसमें उन्होंने अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स को बुलाया था, लेकिन इस पार्टी में बिपाशा भी पहुंची थी, और सोर्सेज की माने तो बोथ ऑफ देम वर लुकिंग वेरी कंफर्टेबल। Well, आज की बड़ी खबर यही खत्म नहीं होती। जहां बिपाशा ने अपनी लाइफ में नया लव पार्टनर खोज दिया है, तो वहीं जॉन ने भी अपनी लाइफ में खोज ली है एक नई गर्ल। सोर्सेस की माने तो जॉन एक प्रोफेशनल बैंक एम्प्लॉय को डेट कर रहे हैं, जिनका नाम प्रिया मारवा है। प्रिया जॉन के साथ कई बार देखी गई है। इतना ही नहीं, वो जॉन से उनकी शूटिंग लोकेशन में भी मिलने आती है, और दोनों एक दूसरे के साथ घंटों टाइम भी स्पेंड करते हैं। Well, अब इस खबर को देखकर इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि बॉलीवुड में कब किसका किससे लिंकअप हो जाए कोई नहीं जानता। मधुर भंडारकर एक बार फिर से न्यूज में आ गए हैं। एक तरफ उनके विपुल शाह से झगड़े की खबर आई है, तो दूसरी तरफ सुनने में आ रहा है कि अब हीरोइन के लिए मधुर करीना कपूर को फिर से अप्रोच कर रहे हैं।
अमिताभ बच्चन ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मधुर भंडारकर और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। वेल, कितना ठीक हुआ है ये आपको आज इन दो बड़ी खबरों से पता चल जाएगा। खबर नंबर एक, मधुर ने की विपुल शाह से लड़ाई। विपुल शाह ने मधुर और ऐश्वर्या राय बच्चन की कंट्रोवर्सी में ऐश्वर्या राय बच्चन को जमकर सपोर्ट किया था, ये कहकर कि प्राइवेसी उनका राइट है, वो जब तक चाहती हैं अपनी प्रेगनेंसी की बात को सीक्रेट रख सकती हैं। वेल, मधुर इस बात पर बहुत नाराज हुए। रिसेंटली उनकी विपुल शाह से मुलाकात हुई तो उन्होंने उन्हें आड़े हाथों लिया। खबरों की माने तो मधुर ने विपुल शाह को जमकर खरी खोटी सुनाई क्योंकि उन्होंने ऐश्वर्या राय को सपोर्ट किया और उन्हें नहीं। वेल, इस खबर से इतना तो साफ है कि मधुर और ऐश्वर्या कंट्रोवर्सी की आग भले ही खत्म हो गई हो लेकिन चिंगारी अभी भी कायम है। खबर नंबर दो, मधुर फिर से कर रहे हैं करीना को अप्रोच। करीना के क्लोज सोर्सेस की माने तो मधुर भंडारकर एक बार फिर करीना को फीलर्स भेज रहे हैं कि वो उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते हैं। करीना ने पहले फिल्म में रोल करने से इसीलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उन्हें स्क्रिप्ट में कुछ अडल्ट सीन्स टोन डाउन करवाने थे, जिस बात के लिए मधुर भंडारकर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन अब सुनने में आ रखा है कि मधुर स्क्रिप्ट में चेंजेस करने के लिए तैयार हो गए हैं और ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी के बाद अब वो एक बार फिर करीना को अपनी फिल्म में लेने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। वेल, इस खबर से इतना तो साफ हो गया कि मधुर भंडारकर अब ऐश्वर्या को अपनी हीरोइन नहीं बनाने वाले। बॉलीवुड के गॉडफादर संजय दत्त नहीं सपोर्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली को, क्योंकि पहले तो उनके नेफ्यू कहते थे कि उन्हें संजय दत्त ने सपोर्ट नहीं किया और अब उनकी नीस नाजिया हुसैन भी कुछ ऐसा ही कह रही है। चाहे कंगना हो या अमीषा पटेल, संजय दत्त लव्स टू प्ले गॉडफादर इन बॉलीवुड। जिसका बॉलीवुड में कोई नहीं होता है उसके साथ होते हैं संजू बाबा। बट दुनिया का भला करते फिरते ये मुन्ना भाई क्यों है अपनी ही फैमिली की तरफ बेरुखे। रिसेंटली एक इवेंट पर जूम की मुलाकात हुई संजय दत्त की नीस, उनकी मम्मी नरगिस दत्त की ग्रैंड नीस नाजिया हुसैन से। बातों बातों में पता चला दैट नाजिया ने एक नहीं बल्कि दो दो मूवीज साइन कर रखी है। About the production, and my second project is another love story, but my character in the film is very different. अरे ये क्या? बॉलीवुड की ए ग्रेड लिनियत से होने के बावजूद आपका लॉन्च पैड है ये बी ग्रेड मूवीज, क्यों आपने नहीं दी अपने चाचा संजय दत्त की हेल्प? I wanted to be accepted as an actor, not as a star kid. I've run around, I've given my auditions, I've traveled. I live in town and I've traveled up and down. I wanted to learn the ropes. Too bad, Sanju Baba. Maybe you should learn something from Mahesh Bhatt, jo Mohit Suri, Smiley Suri aur Imran Hashmi jaise kahan-kahan ke bhule-bisre rishtedaron ko pakad kar break dete rehte hain. Zoom Passion Police ne Mallika Sharawat aur Sushmita Sen ke against nikala hai warrant. Kis baat ke liye? Let's see in our next story. क्या कहेंगे आप मलिका की इस ड्रेस के बारे में? वैसे ये ड्रेस हमें तो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर रही, बट आपको बता दें कि इस ड्रेस के चाहने वालों में सिर्फ मलिका ही नहीं है, क्योंकि हमने ये सेम ड्रेस स्पॉट करी ऑन सुष्मिता सेन एट अ रीसेंट इवेंट। देख रहे हैं ना आप ये पिक्चर्स? ऑन योर लेफ्ट इज मलिका शेरावत एंड ऑन योर राइट बिल्कुल हूबहू ड्रेस पहनी हुई है सुष्मिता सेन। मलिका ने ये ड्रेस पहनी थी डबल धमाल के एक प्रमोशनल इवेंट पर एंड सुष्मिता डॉन दिस एट अ रीसेंट इवेंट। वैसे तो सुष की स्टाइल और फैशन सेंस के बारे में हार्डली कोई नेगेटिव रिमार्क्स आते हैं सिंस शी इज मोस्ट ऑफ द टाइम सो अप टू द मार्क, बट लगता है इस बार सुष से हो गई गलती। सबसे पहले ये कि इन्होंने इतनी टैकी लुकिंग ड्रेस पहनी और दूसरी ये कि ये ड्रेस उन मोहतरमा की कॉपी निकली जो अक्सर अपने बैड ड्रेसिंग सेंस के लिए जानी जाती हैं। वी आर श्योर हमारी ये खबर सुनकर नेक्स्ट टाइम सुष बेबी रहेंगी थोड़ी सी कॉशियस। नाउ वी शो यू लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन, एंजॉय। बॉलीवुड की गलियों से छिपते छिपाते हम आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन, सो हियर वी गो। शुरुआत करते हैं प्रियंका चोपड़ा की इस पिक्चर से, जिसमें वो अपने ब्रदर सिद्धार्थ के साथ काफी मस्ती के मूड में हैं। वेल, एज ऑलवेज इस पिक्चर में प्रियंका लग रही है गॉर्जियस। वेल, बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं फिल्म डर्टी पिक्चर की ये तस्वीर। इस पिक्चर में विद्या बालन सिल्क स्मिता के लुक में है और मिलन लूथरिया से कर रही है अपना सीन डिस्कस। वेल, ये पिक्चर हैदराबाद की है जहां विद्या का मेकअप उन पर झकास लग रहा है। और अब हम आपको दिखाते हैं अमिताभ बच्चन की कुछ लेटेस्ट पिक्चर्स जिसमें वो फैंस से घिरे हुए हैं। अमिताभ ने ये पिक्चर्स खुद सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाली है। वेल, इन पिक्चर्स तक तो ठीक था, लेकिन अमिताभ ने अपने घर के बाहर हुए लाठी चार्ज की पिक्चर्स भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाल दी।
वी वंडर कि इन पिक्चर्स को सोशल साइट पर डालकर अमिताभ मीडिया और ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज़ कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक, वेटरन एक्टर राज किरण का अभी तक नहीं चला पता। शाहरुख खान अब एकॉन के बाद करना चाहते हैं ब्लैक आइड पीस को रोप इन पर रावण, और इसके लिए उन्होंने हॉलैंड में इस म्यूजिक रॉक बैंड से बात भी की है। अगर करीना कपूर बनी है एकॉन की चमक छल्लो रावण में, तो शाहरुख अपनी खास दोस्त प्रियंका को कैसे भूल जाएं? जूम के क्लोज सोर्सेस का कहना है दैट शाहरुख प्रियंका के आइटम सॉन्ग के लिए ब्लैक आइड पीस को करना चाहते हैं रोप इन। शाहरुख एक महीने से कोशिश कर रहे थे यही बात जमाने की, पर अगर सोर्सेस की माने तो फोन और ईमेल से बात बनती नजर नहीं आई। बट किंग खान भी कम नहीं, जूम के सोर्सेस का कहना है दैट हॉलिडे के बहाने शाहरुख पहुंचे हॉलैंड एंड ब्लैक आइड पीस के कॉन्सर्ट में पहुंच गए एंड मेड हिज वे टू द आफ्टर पार्टी एंड फाइनली शाहरुख हैड द डिस्कशन he wanted. So if everything goes according to Shahrukh's plan, to Zoom ke sources ka kehna hai that Priyanka jald hi dikhai dengi Black Eyed Peas ki dhun par jhoomte hue. Film Delhi Belly mein Kunal Roy Kapoor ko kiss karne ka mauka nahi mila. To unka kehna hai ki kya hua agar kiss karne ka mauka nahi mila, unhe butt dikhane ka mauka mila hai, which is also quite impressive. फिल्म डेली बेली में जितना कमाल इमरान खान ने दिखाया उससे कहीं ज्यादा छा गए स्वीटी स्वीटी बॉय कुनाल रॉय कपूर। बट वाइल इमरान गॉट टू किस हिज को-स्टार पूर्णा जगन्नाथन, कुनाल मोस्ट ऑफ टाइम्स वाज शोन लॉक्ड अप इनसाइड द लू। वी आस्क कुनाल इफ ही इज जेलस ऑफ इमरान खान, क्योंकि उन्हें एक भी किस करने का मौका नहीं मिला और इमरान खान किस पर किस करते रहे। आई गॉट टू शो माय बट Which I think is equally impressive. क्या बात है? वैसे कुनाल यही नहीं रुके, उन्होंने तो किस को मोस्ट अनरोमांटिक तक बता दिया। It's a very, very unromantic thing, kissing people. बस बस बस, हमें समझ में आ गया कुनाल, आपको किस करने का मौका नहीं मिला तो आपके लिए अंगूर खट्टे हैं। राम गोपाल वर्मा अभिषेक बच्चन को तो अपनी फिल्म में लेने से इतरा रहे हैं, लेकिन हाँ ऐश्वर्या की अपनी फिल्म में जम कर रहे हैं तारीफ। वो अमिताभ को गाली देता है। Just watch Buddha and I'm angry with Bachchan that he's such a not to do films like this and I'm such a not to realize this. वो अभिषेक को अपनी फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाता है। कभी वो ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी से खुद को नाखुश बताता है। General observation that beautiful women should not get pregnant. और कभी कभी ये शख्स राम गोपाल वर्मा अपने आप को अमिताभ का सबसे बड़ा फैन बताता है। रामू की फैक्ट्री से कूट कूट कर निकल रहा है बच्चन प्रेम। अब रामू कर रहे हैं बच्चन बहू को प्रमोट। राम गोपाल वर्मा की फिल्म नॉट अ लव स्टोरी में है ऐश्वर्या राय बच्चन। बट बिफोर यू जंप द गन लेट अस क्लेरिफाई, ऐश है तो सही मगर सिर्फ पोस्टर्स में। इस फिल्म में यूज किए गए हैं ऐश्वर्या के पोस्टर्स। रिपोर्टेडली रामू ने अपनी प्रोटैगनिस्ट माही गिल को बताया ऐश्वर्या राय का बहुत बड़ा फैन। माही जो मरिया सुसईराज पर बेस किरदार निभा रही है वो इस फिल्म में ऐश को अपना आइडल मानती है और यही वजह है कि फिल्म में ऐश्वर्या भी दिखाई देंगी। मीडिया में ऐसी खबर आई थी कि राज किरण को खोज लिया गया है, लेकिन अब राज किरण की डॉटर ऋषिका का कहना है कि इट्स अनट्रू, उनके फादर का अभी तक कुछ पता नहीं चला। वेटरन एक्टर राज किरण को आखिरी बार न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाते देखा गया था, उसके बाद उन्हें आज तक नहीं देखा गया। लेकिन मीडिया से लेकर बॉलीवुड तक खुशी की लहर दौड़ आई थी जब ऐसी खबर आई कि ऋषि कपूर ने उन्हें खोज निकाला है, वो भी अटलांटा के मेंटल असाइलम में। लेकिन अब राज किरण की बेटी ऋषिका का कहना है कि ये बात सच नहीं है। वो पिछले 8 सालों से न्यूयॉर्क की पुलिस के साथ राज किरण को खोजने में लगी है। इतना ही नहीं, राज किरण की डॉटर का तो ये भी कहना है कि उन्होंने प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर किए हैं, लेकिन अभी तक राज किरण का कुछ पता नहीं चला। वेल, ऋषि कपूर को किसी ने बताया था कि राज किरण अटलांटा के मेंटल असाइलम में है, लेकिन राज किरण की बेटी ऋषिका की माने तो उनके फादर का अभी भी कोई पता नहीं चला, वो अभी भी है गुमनाम।
बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक, जैकलिन फर्नांडिस का हॉट एंड सेक्सी फोटोशूट. Now we show you hot and sexy photo shoot of Jacqueline Fernandez. Enjoy. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of Baytown's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.